आइए अब हम ग्रीष्मकाल में वर्षा की बात कर लेते हैं। ठीक है, जिस तरह से मैंने शीत ऋतु में वर्षा की बात की हुई है कि शीत ऋतु में कहाँ कहाँ पे वर्षा होती है, उसी तरह से अब हम गर्मी के बारे में देख लेंगे कि गर्मी में वर्षा कहाँ कहाँ होती है। आपने लगभग देखा होगा कि गर्मी के बाद का मौसम चेंज होता है, जैसे ठंडी आती है, ठंडी के बाद गर्मी आती है, तो मौसम में बदलाव होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर गर्मी के बाद बारिश, तो गर्मी से बारिश ये जो परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तन के बारे में हम समझेंगे कि गर्मी से बारिश किस तरह से हो रही है। ठीक है, ठीक है, तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये समझाया था IDCZ, आपको बहुत अच्छे से समझ गया होगा IDCZ क्या होता है। IDCZ, ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्ज जोन, ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अतः उष्णकटिबंधीय, अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण जोन। अभिसरण, अभिसरण का मतलब होता है दूसरे से नजदीक आना, अभिसरण जोन। ठीक है, तो इसका अगर साफ साफ शब्दों में बोल दिया जाए कि IDCZ का मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको ये बताया था, एक मैंने आपको ये ग्राफ बताया था। ठीक है, यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। ठीक है, क्योंकि सरफेस जब हमारा हीट होता है, सरफेस जब हमारा हीट होता है तो इस हीट में क्या होती है, हवाएं गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है, हवाएं कहाँ उठती हैं, गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती हैं और लो प्रेशर क्रिएट करती है। वहां पे क्या क्रिएट करती है, लो प्रेशर। और आपको इतना पता है कि अगर कहीं पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, मतलब कहीं से वैक्यूम हो रहा है, वैक्यूम का मतलब होता है जहां पे एयर ना हो, ऐसा कोई भी स्पेस हम नहीं बना सकते, ऐसे हमारे क्लाइमेट में ऐसा कोई भी स्पेस नहीं है, क्रिएट करना चाहे तो हो सकता है, बट हम नेचुरली ऐसा नहीं कर सकते, नेचुरली ऐसा होता भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर कहीं पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, अगर लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो वहां की हवाएं क्या हो रही है, गर्म होकर ऊपर की तरफ उठ रही है। जब वो गर्म होकर ऊपर की तरफ उठ रही है तो वहां पे स्पेस बन जा रहा है, वैक्यूम बन जा रहा है, उस वैक्यूम को भरने के लिए अगर अलग बगल से क्या आती है, हवाएं आती है, जिसको स्थानीय हवाएं बोलती है। स्थानीय हवाएं किसको बोलते हैं, जो उनके आसपास की हवाएं होती है उनको फिल करने के लिए आती है। मतलब अभी यहाँ पे ये सरफेस हीट है, ये हीट सरफेस, यहाँ पे एयर गर्म हुआ ऊपर की तरफ गया और यहाँ से जो हवाएं स्थानीय हवाएं जिनमें नमी बहुत ज्यादा कम होती है, वो हवाएं नीचे की तरफ से आके उस हवा को गैप को भरती हैं और वहां पे बहुत ज्यादा हवा चलना स्टार्ट हो जाता है। बताता हूँ यहाँ पे कैसे। ठीक है, तो आपको ये समझ गया होगा, ये मैंने उसी दिन पढ़ा दिया था IDCZ। चलिए अभी हम ये मैप समझ लेते हैं थोड़ा सा। IDCZ स्थिर नहीं होता है। क्यों स्थिर नहीं होता है, जगह स्टेबल नहीं होता, उसका रीजन ये है क्योंकि सन की रेस भी एक जगह पे रुकती नहीं है। अगर सन का प्रकाश अगर वो एक जगह रुके तो हमारा IDCZ भी एक जगह पे रुकेगा, बट अगर प्रकाश की रोशनी एक जगह पे नहीं रुकेगी तो IDCZ क्यों रुकेगा, क्यों नहीं रुकेगा, क्योंकि IDCZ क्रिएट ही कौन कर रहा है, सन क्रिएट कर रहा है ना, क्योंकि टेम्परेचर अगर सरफेस का हीट हो रहा है तो वहां पे क्या क्रिएट होगा, लो वैक्यूम क्रिएट होगा और वो ऊपर के लो प्रेशर क्रिएट होगा और लो प्रेशर क्रिएट हो तो वैक्यूम होगा, वैक्यूम हुआ तो बाहर की हवाएं आएंगी, स्थानीय हवाएं उसको फिल करने के लिए। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस चलता है लो प्रेशर का उसको क्या बोलते हैं, IDCZ। ठीक है, तो ये हमारा होता है IDCZ। तो जब IDCZ दक्षिणायन होता है तब यहाँ पे समर होता है और यहाँ पे विंटर होता है। जब यहाँ पे विंटर होता है, भारत हमारा कहाँ पे, यहाँ पे करके रखा है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे जब विंटर होता है तब आपने पछुआ पवन देख लिया, पश्चिमी पछुआ पवन। ठीक है, पश्चिमी पछुआ पवन किस तरह से भारत में आती है और किस तरह से बूंदों में वर्षा कराती है और हिमपात में वर्षा कराती है, कोरोमंडल तट पे कैसे वर्षा कराती है, ये तब होता है जब हमारा IDCZ कहाँ होता है, दक्षिणायन में होता है, दक्षिण में होता है, मतलब किस पे होता है, मकर रेखा पे होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होता है, तब यहाँ पे क्या होता है IDCZ। अगर हमारा जो सन की रेज है वो अगर कहाँ पड़े, विषुवत रेखा पे, जब वो विषुवत रेखा पे पड़ेगा तब यहाँ पे क्या होगा, IDCZ होगा। फिर यहाँ पे अगर पड़ेगा तो यहाँ पे गर्मी होगी। ठीक है, तो हमको यही प्रोसेस देखना है, यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का हमको प्रोसेस समझना है। चलिए, तो अब देखो यहाँ पे 22 मार्च है, हम लोग महीने के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, और उसको देखेंगे कि हर महीने में क्या बदलाव हो रहे हैं, जो गर्मी से मानसून तक का बदलाव होता है। पहले गांव में बहुत हवाएं चलती हैं, ठीक है, क्यों मैं गांव का एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर आप इस भाग में रहते हैं, ठीक है, तो मैं वहां की एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा हवाएं चलती हैं। जब मानसून की तैयारी होती है, जब मानसून आने वाला होता है, तो उससे पहले बहुत हवाएं चलती है, जिसको तूफान बोलते हैं, कुछ भी अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, वहां पे बहुत हवाएं चलती है। वो हवाएं क्यों चलती है मैं बताता हूँ। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे समझेंगे, क्यों, क्योंकि वहां पे IDCZ क्रिएट होता है। कैसे होता है समझा रहा, तो आपको ये समझ गया रहेगा। तो हम मंथली पढ़ेंगे, मंथ बाय मंथ पढ़ेंगे। 22 मार्च को IDCZ कहाँ पे होता है, इक्वेटर पे होता है। तो इक्वेटर पे क्या क्रिएट होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा ना, जब इक्वेटर पे है तो इक्वेटर पे लो प्रेशर क्रिएट होगा, तो यहाँ पे हमारा भारत है। तो जब 22 मार्च को IDCZ इक्वेटर पे होता है, उसी समय वहां पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, और जब वो लो प्रेशर क्रिएट होता है तो हवाएं
एक दूसरे से टकरा के ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट कर देती है, और जब वो ऊपर की तरफ उठती है तो उसको फील करने के लिए यहां से हवाएं चलती है। ये देखो भारत हमारा, ठीक है, इस तरह से हवाएं चलती है, ठीक है, तो इस तरह से हवाएं चलती है और आपस में टकराती है और फिर से ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। तो मार्च और अप्रैल, ठीक है, आप हेडिंग डालेंगे मार्च और अप्रैल। तो मार्च और अप्रैल में हम क्या पढ़ने वाले हैं, मार्च और अप्रैल के महीने में क्या होता है, मार्च और अप्रैल के महीने, जैसे मार्च, यहाँ पे मार्च का मैंने बता दिया, तो मार्च से जिस तरह से हमारा आईटी सीजेड या सन की रेज उत्तरायण होना स्टार्ट कर दी है, मार्च अप्रैल आता है उसी समय हमारे यहाँ पे क्या होना स्टार्ट होता है, ये भाग हमारा हीट होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे पहुंच, यहाँ पे कब पहुंचती है, कर्क रेखा पे सन की रेज डायरेक्टली कब पड़ती है, सन की रेज पड़ रही है तो मतलब आईटी सीजेड भी वहीं पे आ रहा है, ठीक है, बट आईटी सीजेड क्रिएट करने के लिए सन की रेज पड़नी बहुत जरूरत है क्योंकि उसी से क्रिएट होगा। तो यहां तक हमारी, हमारा जो रेज है सन का वो कब पहुंचेगा, 21 जून को, ठीक है। तो मार्च अप्रैल, क्योंकि मार्च के बाद ही यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, तो मार्च अप्रैल मई जून ये चार महीने के बारे में हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो मार्च का आपको समझ गया, मार्च में क्या होता है, अप्रैल जब आता है तो मार्च से ऊपर की तरफ बढ़ता है, जब अप्रैल की तरफ आगे आता है यहां तक पहुंच जाता है वो, तो जैसे वो यहां तक पहुंचता है उसी समय यहाँ पे ये भाग हमारा हीट होना स्टार्ट हो जाता है। ये भाग तो पहले ठंडा होता है, ठीक है, यहाँ पे ठंडियों में ज्यादा ठंडी होती है, बट यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो आपको बहुत कम ठंडी देखने को मिलती है ये भाग में, राजस्थान वाले भाग में, ठीक है। तो जब वो इस तरह से आती है तो यहाँ पे हमारी जमीनें हीट होना स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे क्या होना स्टार्ट हो जाती है, हीट होना स्टार्ट हो जाती है, और वहीं पे एक प्रेशर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है, लो प्रेशर क्रिएट होना स्टार्ट हुआ, हवाएं ऊपर जाना स्टार्ट की, और उसको फील करने के लिए कौन सी हवाएं मुड़ने स्टार्ट कर देगी, हमारे स्थानीय हवाएं उसको फील करना स्टार्ट कर देगी, मतलब उसको भरना स्टार्ट कर देगी। तो वहां पे बहुत हल्की हवाएं चलती हैं, ज्यादा हवाएं नहीं चलती हैं, ज्यादा हवाएं तब चलेंगी जब यहाँ पे सीधा सीधा आईटी सीजेड पहुंचेगा, अभी तो यहाँ पे पहुंच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे हवाएं चलती है, उतनी तेज नहीं बट हवाएं चलती है, ठीक है। तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रफ कर देता हूं, अब हम सीधा मई पे चलते हैं, ठीक है। मई के महीने में क्या होता है, मई के महीने में आप हेडिंग डाल देंगे मई के महीने में, तो मई के महीने जब स्टार्ट होती है, ठीक है, तब हमारा ये यहाँ पे मार्च था, अप्रैल मई, जैसे मई पे स्टार्ट होता है तो यहाँ पे 5 मई आप लिख सकते हो, 5 मई को वो कहाँ पहुंच जाता है, दक्षिण के एकदम किनारे पहुंच जाता है, चोटी तक पहुंच जाता है, 10 मई को यहां तक पहुंच जाता है, 20 मई को यहां तक पहुंच जाता है, और 30 मई को यहां तक पहुंच जाता है, ठीक है। मई, ठीक है, अप्रैल मई जून, 21 जून को कहां पहुंच जाएगा वो, यहाँ पे चोटी पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि लाइन में किस तरह से वो पहुंच रहा है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहां से, ठीक है। जब ये, अच्छा एक मिनट, ये हम कौन से भाग पढ़ रहे हैं, पहले हम लोगों ने ये पढ़ा, ठीक है, फिर हम लोगों ने उत्तर पूर्वी पढ़ा हवाएं, उत्तर पूर्वी पढ़ा, पश्चिमी पछुआ पढ़ा, और फिर उत्तर पूर्वी पढ़ा, अब हम यहां से कौन से हवाएं के बारे में पढ़ रहे हैं, दक्षिण पूर्वी हवाएं, ठीक है, दक्षिण उत्तर हवाएं, दक्षिणी पश्चिमी हवाएं, ठीक है, ये पश्चिम है ना, ये दक्षिण है, तो पश्चिम दक्षिणी हवाएं, ये दक्षिण पश्चिमी हवाएं पढ़ रहे हैं। तो आपने हेडिंग डाल दिया होगा दक्षिण पश्चिमी हवाएं डाल रहे, मैं भूल गया था, तो आप इसको याद रखिए, हम कौन से इसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी, दक्षिण पहला हुआ, दूसरा, तीसरा, अभी हम इसके बाद चौथा पढ़ेंगे, खत्म मानसून, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिमी हवाएं ही पढ़ रहे हैं अभी, यहाँ पे इसको हम एंट्री कराएंगे, फिर मानसून देखेंगे, अभी सिर्फ समझिए कि किस तरह से एंट्री करता है, इस लेक्चर में सिर्फ समझना कि एंट्री किस तरह से होता है, उसके बाद के लेक्चर में हम वर्षा कैसे होती है वो समझेंगे। तो आप हेडिंग डाल दीजिए, ठीक है, ऊपर लिख दीजिए दक्षिण पश्चिमी हवाएं। अब आगे देखते हैं, तो जब ये दक्षिण पश्चिमी हवाएं भारत में एंट्री करती है, हाँ, तो हम यहाँ पे थे 5 मई, ठीक है, आपने हेडिंग डाल दिया रहेगा, 5 मई को दक्षिण पश्चिमी हवाएं कहाँ पे पहुंच जाती है, दक्षिण के तट पे, ठीक है, यहाँ पे पहुंच जाती है और यहाँ पे वर्षा कर देती है, ठीक है, वर्षा कर देती है, और ये बहुत ज्यादा वर्षा नहीं होती है, नमी वाली वर्षा होती है, मतलब जैसे बोलते हैं बरसात आने से पहले कुछ फुहारे पड़ते हैं ना, मतलब हल्की बारिश, एक दिन बारिश हुआ हल्का सा एकदम, फिर दूसरे दिन हुआ, फिर ये टाइम लेता है, फिर 5-6 दिन 10 दिन के बाद बारिश स्टार्ट होती है, ठीक है, ऐसे तुरंत ही नहीं कि एक ही दिन आया बारिश और फुट बहुत एकदम ज्यादा ही बारिश हो गया, एकदम डूबने लायक हो गया, ऐसा बारिश नहीं होती स्टार्टिंग में, पहले कम होगी, एक दो दिन सिर्फ फुहारे आएंगे, दूसरे दिन तीसरे दिन और आएंगे, चौथे पांचवें दिन 10 दिन 15 दिन तो उसको स्टार्ट होने में लग जाते हैं, तो वही स्टार्ट है, ठीक है। तो 5 मई को यहाँ पे टच होता है और फिर केरल के तट पे वर्षा करता है, केरल कर्नाटक में वर्षा करता है, और ये वर्षा बहुत ज्यादा वहां के लोगों के लिए लाभदायक होता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पे वो कृषि खेती करते हैं, तो उन कृषि के लिए उनको ये वर्षा चाहिए रहती है, जैसे थोड़ी सी
जैसे बारिश हो गई तो वो क्या करते हैं अपना खेती बेती स्टार्ट कर देते हैं, ताकि अब बारिश आने वाला है तो थोड़ा सा अगर जमीन भीग जाता है तो उनको सिंचाई उचाई की भी काम थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा बारिश होता है ज्यादा होता है नहीं, तो उसी समय वो लोग खेती बेती कर लेते हैं जब तक पूरी तरह से मानसून नहीं आ जाता, पूरी मानसून आने से पहले ही वो तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं यहाँ पे तैयारी स्टार्ट कर देते हैं अपनी कृषि की। तो केरल कर्नाटक यहाँ पे जो ये फुहार वाली वर्षाएं होती हैं उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, उनको वहां पे अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। अच्छा क्यों यहाँ पे बारिश करती है वो, इतना तो हवाओं में नमी नहीं होती है, क्यों किस इसलिए, अच्छा ये हवाएं आगे भी तो जाएंगी ना, तो आगे जाने के बाद यहाँ पे वर्षा क्यों नहीं करती है वो, उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे जब वो पहुंचती है तो यहाँ का तट बहुत छोटा है, आप देख रहे हो ये पूर्वी पश्चिमी तट, ये पूर्वी तट, यहाँ का जगह बहुत ज्यादा छोटा है, तो जगह छोटा होने की वजह से यहाँ पे अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, इन दोनों की हवाओं को मिला के वो नमी को चुरा लेती है और नमी लेने के बाद यहाँ पे क्या करती है वो बारिश कर देती है, बट आगे जाने के बाद यहाँ पे स्पेस बहुत ज्यादा हो जाता है जिसकी वजह से वो यहाँ पे बारिश नहीं कर पाती है, ठीक है। तो आइए हम मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे बारिश हुई थी, अलग अलग स्टेट में उसको अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, ये जो फुहार वाली वर्षाएं होती है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं बारिश, मैंने समझाया आपको हल्की बारिश, ठीक है। जैसे जैसे मैं आपको बोलते जाता हूँ आप सोचते जाइए, उस चीज को सोचिए, सोचोगे नहीं तो नहीं समझेगा, ठीक है, सोचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जैसी चीजें बताता हूँ मैं उसको सोचिए कि उस तरह से है ये, ठीक है। हाँ तो अब ये यहाँ पे पहुंचा तो इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, केरल, केरल कहाँ पे, यहाँ पे केरल में इसको आम वर्षा बोला जाता है, क्या बोला जाता है, आम वर्षा, इसको केरल में आम वर्षा बोला जाता है, और कर्नाटक में इसको कॉफी वर्षा बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कॉफी वर्षा, क्यों, क्योंकि उसी समय कॉफी उगाने के योग्य बारिश हो जाती है और अच्छी खासी होती है, ठीक है। तो इसको कर्नाटक में क्या बोला जाता है, कॉफी वर्षा, और इसको चेरी ब्लॉसम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चेरी ब्लॉसम, कहां पे, कर्नाटक में ही, चेरी ब्लॉसम वर्षा, ठीक है, इसको कर्नाटक में क्या बोलते हैं, चेरी ब्लॉसम वर्षा, ठीक है, चेरी ब्लॉसम वर्षा, आप समझ लीजिए और इसको याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। तो कर्नाटक में इसको क्या बोला जाता है, चेरी ब्लॉसम वर्षा भी बोला जाता है, ठीक है। ये सब आप लिख लीजिए या समझ लीजिए, 5 मई को होता है, कभी होता है 5 मई को, ये 5 मई को ही वर्षा हुआ ना यहाँ पे। तो अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, 5 मई पे यहाँ, 10 मई, 20 मई, 30 मई को ये हवा यहाँ पहुंच जाती है, बट ये ज्यादा वर्षा करने लायक नहीं होती है, सिर्फ इनको फुहारा बोल सकते हैं कि मानसून की तैयारी कर लो कि बारिश आ रही है तो उसके लिए ये बेटर है, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लीजिए इसको। तो ये बात हो गई किसकी, मई की। अब हम पढ़ेंगे जून के बारे में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप एक बात याद रखिए कि दक्षिण पूर्वी दक्षिण पश्चिमी, ये जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं हैं जो अरब सागर से आती हैं, यही वो हवाएं हैं जो भारत ने वर्षा के समय ग्रीष्म ऋतु के बाद, जो समर के बाद बारिश होता है, 90% इनका ही हाथ होता है वर्षा करने में, 90% हाथ इन्हीं का होता है भारत के अंदर पूरी भरपूर तरीके से जो भी वर्षा होती है यहाँ पे मध्य प्रदेश, दिल्ली, मुंबई, पुणे, कहीं भी आप पकड़ लो, कर्नाटक, केरल, इनका मेन हाथ होता है 90% वर्षा करने में, यही वो हवाएं हैं जिसको हम बारिश का मौसम मानसून बोलते हैं, ठीक है। तो हम इनके बारे में ही आज पढ़ रहे हैं। तो 90% वर्षा कौन करता है, दक्षिण पूर्वी हवाएं, ठीक है। तो अब आप समझ लीजिए इतना, और अब हेडिंग डाल दीजिए जून, जून के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। आपको जैसे मैंने बताया कि मई चल रहा है, पहले मार्च में कहा था, 22 मार्च को कहा था, विषुवत रेखा पे, ठीक है, 22 मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून, जून में सीधा ITCZ कहाँ पहुंच जाता है, एकदम कर्क रेखा पे, एकदम एग्जैक्ट पड़ जाता है, और फिर जब वो वहां पे पड़ता है तो लो प्रेशर बहुत ज्यादा क्रिएट कर देता है, लो प्रेशर क्रिएट किया तो वहां पे हाई प्रेशर, लो प्रेशर ऊपर उठेगा हवाओं से टकरा के, और अभिसरण होगा, अभिसरण मतलब दोनों टकराते हैं, कन्वर्ज होगा, ऊपर की तरफ उड़ेंगे, फिर दूसरी हवाएं वहां की जो स्थानीय हवाएं उस हवा को भरेंगी, क्योंकि स्पेस हमारे यहाँ पे क्लाइमेट में हो नहीं सकता, ठीक है, कहीं पे ऐसा खुला स्पेस में बना दू, मैं चाहूं अगर इतने में स्पेस कर दू तो यहाँ की हवा हटा दो, स्पेस नहीं होगा। आप कोई भी बॉटल ले लो, बॉटल को पचका दो, ठीक है, उसकी सारी हवा निकाल दो, हवा निकालने का मतलब क्या, बॉटल पचक गया, हवा निकाला तो वायुमंडल ने क्या किया, उस चीज को दबा दिया। और भी कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है, जैसे आप गुब्बारे ले लो, ठीक है, उसको क्या करो, उसमें से जो हवा भरे थे आपने निकाल दो तो हवा भरा रहेगा क्या, उसको ऐसा खोल दो तो हवा बाहर आ गई, क्यों, क्योंकि वायुमंडलीय प्रेशर एग्जर्ट होता है उसके ऊपर, पड़ा रहता है, जिसकी वजह से कोई भी वैक्यूम क्रिएट नहीं हो पाती है। तो 21 जून को ITCZ सीधे कहां पड़ती है, भारत पे लंबवत पड़ती है, ठीक है, लंबवत पड़ने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, ITCZ का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो 21 जून को, अब हम जून के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम डायरेक्ट 21 जून बोलते हैं, 21 जून को
अब हम संघ किले को क्या करते हैं, कर्क रेखा पे डायरेक्ट गिरा देते हैं, कर्क रेखा को डायरेक्ट 21 जून को कर्क रेखा पे गिरा देते हैं। ठीक है, अब सपोज आई 21 जून को संघ किले जो है वो डायरेक्ट पढ़ रहे हैं। अब डायरेक्ट पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, जब यहाँ पे डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 21 जून को कर्क रेखा पे सन की रेस डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर एग्जर्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे ये भाग में क्या होगा, लो प्रेशर एग्जर्ट होगा। क्यों, क्योंकि वहां पे हवा क्या होगी, गर्म होगी ना। ITCZ का मतलब क्या, गर्म हवा ऊपर की तरफ उठना, तो वहां पे जब गर्म हवा ITCZ वहां पे जब गर्म हवा, और एक भाग और ये भाग जो है हमारा, ठीक है, राजस्थान वाला ये जो भाग है लो प्रेशर, यहाँ की हीट जो है बहुत जल्दी होती है, मतलब ये जो स्थल है हमारा, ये जो भूमि है, यहाँ पे बहुत जल्दी हीट बढ़ता है, बहुत जल्दी ज्यादा हीट हो जाता है ये। ठीक है, हाँ, तो आप हम पढ़ रहे थे, आप इतना याद रखिए, यहाँ पे बहुत जल्दी क्या होता है, हीट होता है, जैसे कि हवा जब ITCZ यही टच होता है तभी ये हीट होना स्टार्ट हो जाता है, जब वो यहाँ पहुंचता है तब उसका और ज्यादा हीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब 21 जून को कर्क रेखा पे वो डायरेक्ट पड़ती है तो वहां पे लो प्रेशर एग्जर्ट होता है। ये लाइन मैंने बनाया है तो सिर्फ इतने लाइन में ही नहीं है, उसका एरिया बड़ा है। ठीक है, एरिया बड़ा है, इतने लाइन बना दिए तो सिर्फ ऐसा लाइन में नहीं है, एरिया थोड़ा उसका बड़ा है, तो क्या होगा, वहां से हवाएं आएंगी। क्यों, क्योंकि लो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, लो प्रेशर एग्जर्ट होगा तो हवाएं कहां भागेंगी, ऊपर की तरफ। क्यों ऊपर की तरफ भागेंगी, क्योंकि हवाएं क्या हो रही है, गर्म हो रही है, गर्म होने से हवाएं आपस में अभिसरण करती हैं, ऊपर की तरफ जाएंगी, फिर वो क्या करेंगी, यहाँ पे हवाएं खींच लाएंगी, तो यहाँ पे यूपी बिहार दिल्ली, ठीक है, वहां सब में ज्यादा हवाएं चलना स्टार्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि जब कर्क रेखा पे, ठीक है, जब हवाएं क्या कर रही है, ऊपर की तरफ भाग रही है, तो यहां से हवाएं चलेंगी ना, सीधी सी बात है। ठीक है, तो यहां से हवाएं जब चलना स्टार्ट होती है तो इसको भरना स्टार्ट कर देती है, और जिसको हम यूपी वहां पे क्या बोलते हैं, लू के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, लू, हम बोलते हैं ना लू लग जाएगी, लू का मतलब होता है गर्म हवा, जिसमें नमी नहीं होती है। नमी क्यों नहीं होती है, क्योंकि वो स्थानीय हवाएं होती है, इसलिए वहां पे नमी नहीं होती उस हवा में। और जब यहाँ पे कर्क रेखा पे सन की रेस डायरेक्ट पड़ती है तो ITCZ का निर्माण होता है, ITCZ का निर्माण होता है, तो यहाँ की स्थानीय हवाएं उसको फील करती है, और वही हवाएं नीचे की तरफ आती है, ये हवा ऊपर की तरफ जाती है, और वही रीजन है कि गांव में मई के महीने से ही, जून के महीने से ही बहुत ज्यादा क्या होना स्टार्ट हो जाता है, अप्रैल मई जून में ही हवाएं बहुत ज्यादा चलना स्टार्ट हो जाती है, इसको तूफान बोलते हैं, अलग अलग नाम से लू भी बोलते हैं, गर्म हवाएं। दोपहर के समय वहां पे बहुत गर्म हवाएं चलती है, शाम हो जाता है तो तूफान जैसे हवाएं चलने लगती कभी कभी। क्यों, क्योंकि जब लो प्रेशर एग्जर्ट होता है तो हवाएं ऊपर उठती है और उसको फील करने के लिए ये स्थानीय हवाएं आती है। ये रीजन है कि गांव जैसे एरिया में बहुत ज्यादा हवाएं चलती है। ठीक है, ये रीजन है कि गांव जैसे एरिया में दिल्ली हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, वहां पे बहुत ज्यादा ये सब हवाएं चलती हैं, हमको देखने को मिलते हैं। और एक चीज आपको मैंने पिछले टाइम बताया था कि जो सागर होते हैं, जो सागर का पानी होता है वो टाइम लेता है ठंडा होने में और गर्म होने में। ठीक है, स्थलखंड हमारा क्या होता है, जल्दी ठंडा होता है और जल्दी गर्म होता है, तो यही रीजन है कि यहाँ पे क्या होता है, स्थलखंड है ना पूरा ये, ठीक है, और ये हमारा सागर है, तो ये जो भाग है ये क्या होगा, बहुत जल्दी जल्दी गर्म नहीं होगा और जल्दी ठंडा भी नहीं होगा, बहुत टाइम लेता है, पर स्थलखंड हमारा क्या होता है, जल्दी ठंडा होता है और जल्दी गर्म होता है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं, तो आपको ये लू समझ गया। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं 1 जून। देखो ये जो थे फुहारे आए हमारे इंडिया में, क्या हो गया, आपको पता है मुंबई में 7 जून तक बारिश हो जाती है। ठीक है, वो यहां तक कैसे पहुंचती है, ध्यान दीजिए। ठीक है, ये आपको समझ गया रहेगा, अब हम जून के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, 21 जून, वापस से मैं जून के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ कि कैसे वहां तक पहुंचे हम। 1 जून, 1 जून को हमारा दक्षिण पश्चिम रियल मॉनसून जो होता है वो यहाँ तक पहुंच जाता है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा नमी होती है। क्यों इसके अंदर इतनी नमी होती है और क्यों यहाँ तक आ रहा है, वो भारत की तरफ भी क्यों मुड़ता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो वो लो प्रेशर क्या करता है, हवाओं को खींचता है। अभी कैसा लो प्रेशर, जैसा चुम्बक होता है, चुम्बक को क्या करो, आप ऐसा रखो कहीं पे, तो उसके आजू बाजू जो भी आयरन होंगे, लोखन होंगे, वो आके उसमें लग जाते हैं। वही रीजन है यहाँ पे जब लो प्रेशर क्रिएट होता है तो उस लो प्रेशर को भरने के लिए यहाँ से हवाएं चलना स्टार्ट हो जाती है, और जब वो गर्मी के मौसम में बहुत अधिक लो प्रेशर हो जाता है तो इतनी क्षमता इनकी हो जाती है कि वो यहाँ से हवाई को खींच के बुलाती है,
जिससे दक्षिण पूर्वी हवा यहां से चलना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो 1 जून को क्या होता है, 1 जून आते आते केरल में यहाँ पे, ठीक है, 1 जून जैसे आता है केरल के मालाबार तट पे वर्षा बहुत मजबूत करता है 1 जून को। ठीक है, 1 जून को, 1 जून को केरल के मालाबार तट, यहाँ पे केरल के मालाबार तट पे वर्षा हो जाती है। ठीक है, 1 जून को यहाँ पे केरल के मालाबार तट पे होती है और फिर ऐसे आगे चलते चलते भारत मुंबई में 7 जून को वर्षा हो जाती है, 7 या 8 जून को वर्षा हो जाती है अप्रोक्सीमेट। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा फास्ट हो गया था, ठीक है, आज का, बट आप वापस से वीडियो स्टार्टिंग से देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझा रहेगा तो प्लीज मुझे कमेंट करिए, मैं वापस से मॉनसून का चैप्टर ले सकता हूँ, ठीक है, या फिर एक डाउट लेक्चर रख लेंगे, उस डाउट में आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा फास्ट हो गया है बट आप ध्यान दीजिए समझेगा, अगर नहीं समझेगा तो वापस से वीडियो रिप्ले करके देख लीजिए, रिप्ले करके। ठीक है, तो 1 जून को मालाबार तट पे वर्षा होती है और यही हवाएं आगे चल के यहाँ तक पहुंचती है। ठीक है, और जब ये हवा यहाँ तक पहुंचती है तो यहाँ पे वो कंटिन्यू वर्षा करते हुए आगे तक जाती है, 1 जून को मालाबार तट पे वर्षा करती है और फिर वो आगे की तरफ बढ़ना उसी समय से स्टार्ट कर देती है और 22 जुलाई या 21 जुलाई तक दिल्ली तक वो क्या हो जाती है, टच हो जाती है। ठीक है, 22 जुलाई जून जुलाई तक वो कहाँ पहुंच जाती है, दिल्ली तक वर्षा करते करते वहां तक पहुंच जाती है। एक चीज और है कि तटीय भाग पे, ठीक है, तटीय भाग आप समझते चले जाइए, ठीक है, कोई भी पॉइंट कहीं भी काम आ सकता है तो आप सारे पॉइंट्स को याद करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे तट पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तट पे जो तटीय क्षेत्र होते हैं और ये जो ये भाग होता है, ये भाग ज्यादा ठंडी होता है, जब कभी ठंडी पड़ती है, ठीक है, मैं ठंडी के मौसम का बता रहा हूँ, अभी हम पॉइंट थोड़ा चेंज करें क्योंकि पॉइंट छूट चुका था तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब ठंडी पड़ती है तो यूपी में, बिहार में, दिल्ली में इतनी ठंडी क्यों होती है कंपेरिजन मुंबई में, पुणे में इतनी ठंडी नहीं होती है, उसका रीजन ये है क्योंकि मुंबई तटीय क्षेत्र पे बसा हुआ है। ये सब कहाँ पे है, तटीय क्षेत्र पे, तो मैंने आपको बताया था कि तटीय क्षेत्र पे, सॉरी, जो स्थलखंड होते हैं वो जल्दी ठंडे और जल्दी गर्म होते हैं, बट हमारा जो वाटर होता है, जो सागर होते हैं, वो बहुत टाइम लगाते हैं ठंडा होने में, बहुत टाइम लगाते हैं गर्म होने में। तो जो तटीय भाग के पास ये एरिया है, यहाँ का जो वाटर है वो क्या होता है, बहुत जल्दी, सॉरी, जल्दी ठंडा नहीं होता है, तो ये गर्म रहते हैं, जिसकी वजह से हमको यहाँ पे ठंडी महसूस कम होती है। बट इस साइड पे क्या है, यहाँ पे सब जगह लैंड है, ठीक है, ओशन है ही, पानी है ही नहीं ज्यादा इस भाग में, तो यहाँ से तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पड़ जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे अधिकतर ठंडी होती है। ये रीजन है कि वहां पे ज्यादा ठंडी होती है कंपेरिजन देन हमारे यहाँ पे कोस्टल एरिया पे। ठीक है, हाँ, तो ये बात हो गई, आपको समझ गया रहेगा। तो अब ये बात किसकी हो गई, मैंने एंट्री करा दी, किसकी, दक्षिण पश्चिमी हवाओं की, मानसून की हवाएं एंट्री करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप अगर उसको लिख लेंगे तो अच्छी बात है, ठीक है, लिख लीजिए उसको, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितनी चीजें मैंने आपको बताई, कब किधर वर्षा करती है, मालाबार तट पे कब वर्षा होती है, ठीक है, तो वो भी आप लिख लीजिए। अगर आपको रीजन पूछता है कि यहाँ पे ज्यादा ठंडी, यहाँ पे कोस्टल एरिया पे इतनी ठंडी नहीं होती क्यों, और यहाँ पे हवाएं चलती हैं, लू चलती हैं, बट मुंबई जैसे एरिया, पुणे जैसे एरिया में लू क्यों नहीं चलती है, तो उसका भी रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ITCZ, यहाँ पे ITCZ की स्थापना हो जाती है, राजस्थान के रेगिस्तान में, वहां पे क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट होती है तो वहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, उसी लो प्रेशर को भरने के लिए यहाँ से हवाएं चलना स्टार्ट होती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कर्क रेखा पे 21 जून को सूर्य की किरणें सीधे पड़ने स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, दक्षिण पश्चिमी की मानसून की हवाओं को मैंने एंट्री करा दी। अब हम इसके बाद बारिश देखेंगे कि दक्षिण पश्चिमी हवाएं वर्षा कहाँ कहाँ पे कराती है, बे ऑफ बंगाल की हवाएं किन तरफ से वर्षा कराती है, इन तरफ से हवाएं चलती है, इस तरफ से भी हवाएं चलती है, तो वो कौन कौन सी जगहों पे वर्षा कराती है, इन सारी चीजों को हम देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको देखते रहिए। ठीक है, चलो।